हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल इंजीनियर FBH। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, हाउ टू रीड थियोडोलाइट वर्नियर स्केल। जो वर्नियर स्केल होती है थियोडोलाइट की, उसको हम कैसे रीड कर सकते हैं और हाउ टू फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट। थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट कितना होता है? 22nd। उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो भी आज मैं सिखाऊंगा आपको वीडियो में। तो दो टॉपिक आपको समझ आ जाएंगे आज की वीडियो देख के। तो पहली चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, थियोडोलाइट में जो एंगल हम मेजर करते थे, वो यहाँ पे जो मैंने परसों वाली वीडियो में, पिछली वाली वीडियो में ये बताया था कि इसके अंदर एक वर्नियर स्केल होती है, उसी पे हमारी रीडिंग्स आती है हॉरिजॉन्टल एंगल्स की। वही मैं आज समझाने वाला हूँ आपको कि कैसे हम वो रीडिंग्स को नोट करते हैं। तो अब हम पहली चीज़ को सीख लेते हैं, हाउ टू रीड द थियोडोलाइट वर्नियर स्केल। जब हम थियोडोलाइट के आईपीस, इस आईपीस से देखते हैं, तो हमें वहाँ पे दो स्केलें दिखती है। एक होता है हमारा लोअर सर्कल, लोअर सर्कल पे रीडिंग्स होती है 0 से लेके 360 डिग्री तक। ये वाला जो सर्कल है, इस पे 0 से 360 डिग्री तक रीडिंग्स होती है। तो इसमें मतलब एंगल होता है 0 डिग्री से 360 डिग्री तक। और उसके बाद ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसमें यहाँ पे 0 है, यहाँ से 20 है, 0 से 20 तक इसमें रीडिंग्स है। जो मेन स्केल हमारी है, उसमें क्या होता है, 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में 3 डिविजन्स होती है। मतलब अगर हमें पता है कि 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, तो हमारे पास यहाँ 3 डिविजन है, 60 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल 20 मिनट। मतलब हर एक डिविजन 20 मिनट का होता है। तो यहाँ से ये समझ आ गया आपको। उसके बाद ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में मिनट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो आप देख लो, हर एक दूसरे, एक और दूसरे मिनट के बीच में 3 डिविजन्स हैं, डिवाइडेड बाय 3 करो तो वो आ गया हमारा 20 सेकंड। मतलब हमें पता कि एक 20 सेकंड को डिनोट कर रहा है। तो अब इसके बाद मैं क्या सिखाऊंगा आपको, जो ही हमने उस आईपी से देखा, तो हमारा जो ये इंडेक्स बार है ना, ये हमारे उस पे ए या बी से दिखाया होता है। जहाँ पे ये लाई करेगा, वो रीडिंग हमें मैन स्केल की लेनी है। मैन स्केल में ये हमारा अभी कहाँ पे लाई कर रहा है इंडेक्स, ये कर रहा है 10 डिग्री और ये हो गए 20 मिनट, 10 डिग्री 20 मिनट पे। तो हम क्या लिखेंगे, मैन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 10 डिग्री 20 मिनट। और अब क्या हमने देखना है, अब हमने देखना है आगे कौन सा मैन स्केल का डिवीजन और वर्नियर स्केल का डिवीजन एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो जब हमने देखा, यहाँ पे दिख रहा है कि दूर है, थोड़ा सा दूर है, यहाँ ये एक जगह है जहाँ पे ये 30 और 20 मिल रहा है, ये दोनों डिवीजन जो है आपस में मिल रहे हैं। तो हमने देखना है यहाँ तक कितना रीडिंग आ गया इस पे। तो इस पे आया हुआ है यहाँ तक 20 मिनट रीडिंग, और सेकंड कितने हैं, 0 0, कोई भी सेकंड नहीं है। तो हमारा क्या आ गया, रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल, वो आ गया हमारा 20 मिनट और 0 0 सेकंड। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, वो आ जाएगा हमारा 10 डिग्री 40 मिनट और 0 0 सेकंड। ये आ गई हमारी रीडिंग। ऐसे हम अपनी रीडिंग लेते हैं थियोडोलाइट के आईपीस के, इस आईपीस के थ्रू, जो हमें चाहिए होती है हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए। अब दोस्तों, अगर यहाँ पे रीडिंग नहीं आ रही थी, ये दो मैच नहीं कर रहे थे, अगर यहाँ पे हमारे ये दो मैच कर रहे थे, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये दो हमारे मैच कर रहे थे, तो उस टाइम रीडिंग कितनी होती, तो उस टाइम हमारी रीडिंग होती पहले वाले में तो वही 10 डिग्री 20 मिनट, मैन स्केल में 10 डिग्री 20 मिनट ही होता, पर वर्नियर स्केल में रीडिंग कितनी होती, 5 मिनट यहाँ तक आए, ये हो गए 10 मिनट, ये हो गए 11 मिनट, ये हो गए 12 मिनट, 12 मिनट और 20 सेकंड। मतलब क्या होता, 12 मिनट 20 सेकंड। तो टोटल रीडिंग क्या आई हमारी, टोटल रीडिंग जो हमारी आई इसकी हॉरिजॉन्टल एंगल की, वो आ गई हमारी 10 डिग्री 20 और 12 कितने हो गए, 32 मिनट और 20 सेकंड।
इस तरह से हमारी रीडिंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो इसी तरह दोस्तों, जब भी आप रीडिंग ले लोगे तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखना कि इंडेक्स से हमारी मेन स्केल की रीडिंग लेते हैं, उसके बाद जहाँ पे दोनों के कोई एक टच हो रहा होता है उसकी रीडिंग लेनी होती है हमें, और उन दोनों रीडिंग्स को मिला के हमारी मेन रीडिंग बन जाती है। तो दोस्तों, ये चीज़ तो आपको समझ आ गई। अगली चीज़ मैं जो आपको सिखाने वाला हूँ, वो मैं सिखाने वाला हूँ आपको कि हाउ टू फाइंड आउट द लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट। तो लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी। लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? हमें पता है ये कि एक मैन स्केल का एक डिवीजन जो है, मैन स्केल का एक डिवीजन कितना होता है? वो होता है हमारा 20 मिनट के बराबर। कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ये 10 डिग्री है, ये 10 डिग्री 20 मिनट, 40 मिनट और 11 डिग्री 20, 40 और 11 डिग्री 12 डिग्री। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, एक डिग्री कितने मिनट के बराबर था? एक डिवीजन हमारा था 20 मिनट के बराबर। ये हमें पता है। और क्या हमें पता है यहां पे? वर्नियर में हमारे टोटल कितने डिविजन्स हैं? जो हमने वर्नियर इसके ऊपर ये लगाया है यहां से यहां तक, इसके अंदर टोटल डिविजन्स है 60। तो हम लिखेंगे टोटल डिविजन्स इन VERNIER वर्नियर। कितने डिविजन्स है टोटल इसमें वर्नियर में? 60 डिविजन्स। तो ये पता चल गया हमें। हमें पता है हर एक डिविजन कितने के बराबर होती है, हर एक डिविजन कितने सेकेंड्स के बराबर होती है। हर एक डिविजन हमें पता है 20 सेकेंड के बराबर है। तो टोटल सेकेंड्स कितने आ गए इसमें? 20 × 60, वो आ गया हमारा 1200 सेकेंड। 1200 सेकेंड्स। तो हमने क्या करना है? अब हमने करना है लीस्ट काउंट कैलकुलेट। लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है मैन स्केल लीस्ट वैल्यू, मैन स्केल की जो लीस्ट वैल्यू है एक डिवीजन की वैल्यू, डिवाइडेड बाय डिविजन्स इन वर्नियर स्केल। मैन स्केल लीस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय डिविजन्स इन वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल का लीस्ट वैल्यू कितना है? 20। मैन स्केल का लीस्ट वैल्यू है 20 / 60, हो गया वही। जब हमने इस 20 को मल्टीप्लाइड बाय किया, हर एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, हर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो हम करेंगे 20 × 60 / 60। तो ये आएगा 1200 / 60। यहाँ पे आ गया हमारा कितना? 20 सेकेंड। तो ये मिल गया हमें लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट। तो दोस्तों, ये दो चीज़ें जो है ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपको कभी भी किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी कोई एग्ज़ाम होगा, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, ये पूछा जा सकता है कि लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट कितना होता है। और ये जो मैन वाला पहले वाला टॉपिक था वो तो आपको चाहिए ही, पता ही होना चाहिए अगर आप थियोडोलाइट पर काम कर रहे हो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियोस को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर आपके दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और उस तरह से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं। थैंक यू।